कुटरमान कंपनी के पिथनवास स्कूल में विद्यार्थियों को बांटी यूनिफॉर्म। बावल स्थित कंपनी ने 24 अप्रैल को पिथनवास के कन्या विद्यालय में विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म वितरित की। इस मौके पर कंपनी के फाइनेंस हेड सुरेश भारद्वाज और प्रोडक्शन हेड राजीव गुप्ता ने अपनी पूरी टीम के साथ स्कूल पहुंचकर इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से सफल बनाया और यूनिफॉर्म वितरित की। स्कूल की मुख्य अध्यापिका प्रेम देवी ने बताया कि गुटरमान कंपनी की तरफ से समय समय पर इस तरह की सामाजिक सहायता की जाती रहती है। गुटरमान कंपनी की इस कार्यक्रम में जहां विद्यार्थियों में उत्साह दिखाई दिया, वहीं उनके चेहरे पर मुस्कान भी दिखाई दी। इस मौके पर कंपनी की तरफ से विपिन शर्मा एग्जीक्यूटिव, कंपनी सेक्रेटरी कन्हैया लाल, मैनेजर फाइनेंस मनोज शर्मा, सीनरी एग्जीक्यूटिव एच आर धीरज, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव सातवें स्कूल की तरफ से अध्यापक अजय, प्रभु सिंह, मुरारी लाल, अध्यापिका पूजा, रेखा, पुष्पा, अंजू देवी के अलावा एसएमसी प्रधान रेखा यादव, सदस्य मंजू यादव, उषा देवी, गीता देवी, ललिता देवी के साथ सरपंच पवन कुमार, पूर्व सरपंच भोपाल सिंह, नंबरदार हरिचरण सिंह, हरपाल, पंच सूबेदार बाबूलाल, दीपक आदि मौजूद रहे। स्कूल की तरफ से कंपनी के अधिकारियों का फूलमालाओं से स्वागत किया गया। सरपंच पवन ने आए हुए अतिथियों का स्वागत और धन्यवाद किया। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेश भारद्वाज। भारद्वाज जी, कंपनी में आप किस पद पर हैं और आज ये क्या कार्यक्रम था? कंपनी में मैं दो पद संभाल रहा हूँ। मैं एचआर डिपार्टमेंट भी मेरे पास है और फिनांस डिपार्टमेंट भी मेरे पास है। तो मेरा जो डेजिग्नेशन है वो हेड फिनांस एंड एचआर है। और आज का जो कार्यक्रम हमने रखा था, ये सीएसआर एक्टिविटी के अंदर हमने स्कूल के बच्चों के लिए एक यूनिफॉर्म अरेंज कराई है, वो हम आज इनको डिस्ट्रीब्यूट करने यहाँ आए। सर, इस तरह के सामाजिक कार्य अगर कंपनियां करती रहें तो जो समाज में भेदभाव है वो ख़त्म होगा, इसके लिए आगे आप क्या प्रयास करेंगे? देखो, हमारे कंटिन्यूस प्रयास रहे हैं। हमने इससे पहले जिलावास जलालाबाद जो गाँव है, दो तीन गाँव और हैं उधर, आपका बीकानेर गाँव है, इन गांवों में भी हमने अलग अलग जगह स्कूलों में यूनिफॉर्म दिया है, प्ले ग्राउंड का डेवलपमेंट कराया है। बनीपुर में हमने उनके ग्राउंड के अंदर, गांव के अंदर लाइटिंग का अरेंजमेंट कराया है, सोलर लाइट्स लगवाई हैं। और एक दो स्कूलों में हमने वाटर टैंक, आरओ, जो पानी के आरओ है, आरओ सिस्टम प्रोवाइड कराए हैं। उसके बाद कुछ स्कूलों में, दो में हमने सोलर लाइट लगवाई हैं। सोलर से उनके पंखे वगैरह चलने में दिक्कत आ रही थी, वो सारा अरेंजमेंट हमने करवा के दिए हैं। और आगे भी हम इन कामों में अपना पूरा सहयोग देंगे और जहाँ तक भी संभव होगा, जो भी स्कूल हमारी नज़र में आएगा, तो हमारे बजट के अंदर जो कुछ भी होगा वो हम वहाँ देने की कोशिश करेंगे। सर, इन स्कूलों का या गाँव का चयन आप किस तरह आधार से करते हैं? आपके पास सूचना दी जाती है या आप अपने लेवल पे इनका? सर, हम अपने लेवल पे अलग अलग लोगों से इनपुट लेते हैं, गांव के लोगों से संपर्क करते हैं। बहुत से गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से संपन्न है, वहाँ पूरी फैसिलिटीज हैं, वहाँ हम भी अवॉइड करते हैं कि जहाँ ऑलरेडी सब कुछ है वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर ये चयन करने के बाद हम वहाँ विजिट करते हैं, हम देखते हैं कि बाकी स्कूल के अंदर इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उनसे बात करते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या आप हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे इसी स्कूल में था तो जो यहाँ के मुख्य अध्यापक थे, उन्होंने बोला कि वहाँ गरीब लोगों के बच्चे जो आते हैं, काफ़ी यूनिफॉर्म की प्रॉब्लम है, तो आप उन्हें यूनिफॉर्म दे के कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ यूनिफॉर्म जो है बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया। सर, ये कंट्रीब्यूशन आगे भी चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा, ये